वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में एलईडी सिंपल प्रोजेक्टर के साथ कंपेयर करेंगे एलईडी फैन प्रोजेक्टर को। सो मेरे पास जो है दो बॉक्स है, दोनों जो है प्रोजेक्टर हेडलाइट है जो कि आप किसी भी बाइक की हेडलाइट के अंदर लगा सकते हैं। सो ऑलरेडी मैंने फैन प्रोजेक्टर का वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में पूरी डिटेलिंग करेंगे, साथ में आपको इसका इंस्टॉलेशन भी दिखाएंगे, दोनों प्रोजेक्टर आपको किस टाइप से जो है इनको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले जो डिफरेंस आपको मिल जाएगा वो बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। जो फैन प्रोजेक्टर है उसका बॉक्स काफ़ी बड़ा होता है दिखने में, और जो सिंपल एलईडी होता है वो काफ़ी छोटा होता है। सो इसके अंदर जो है उसी तरह से जो है कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं। तो क्या क्या आपको इनके अंदर मिलने वाले वो सारी चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले आपसे बात कर लेते कि डिफरेंस जो है इसके अंदर आपको रेट का मिलेगा, साथ में लाइट का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये वाला जो है नॉर्मल एलईडी प्रोजेक्टर आता है जो कि आपको मार्केट में 400 से 500 की रेंज में मिल जाता है। तो ये वाला एलईडी प्रोजेक्टर वैसे तो दिखने में काफ़ी जेन्युइन लगता है, लेकिन इसका जो आपको मेन लाइट मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। तो आज के वीडियो में वो भी मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा। साथ में आपको इसके अंदर ये रेड कलर का जो है एक लेज़र मोड मिलता है, जिसके अंदर आपका जो है लेज़र लाइट इसके जो है रोड पे पड़ती है। तो अभी चलते हैं, आपको जो है सबसे हमारा जो स्पेशल है वो फैन प्रोजेक्टर वो दिखाते हैं। तो ये वाला जो है अगर कॉस्टिंग की बात करें तो आपको लगभग डबल पड़ता है नॉर्मल एलईडी प्रोजेक्टर से, लेकिन इसके अंदर उसी तरह से जो है सुविधाएं भी दी गई हैं। सो सबसे पहले तो ये काफ़ी हैवी होता है, काफ़ी अच्छी इसकी बिल्ड मटेरियल है, साथ में आपको अच्छे अलग अलग वायर कनेक्शन मिलते हैं, और इसकी रोशनी है जो 3 गुना होती है हमारे सिंपल एलईडी से। सो अभी चलते हैं, इसको फटाफट फिटिंग करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वाला जो फैन प्रोजेक्टर होता है आप किसी भी गाड़ी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आपको जो है हेडलाइट को खोल के पूरी फिटिंग करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में इसे स्प्लेंडर में फिट करेंगे। सो गाइस, इसके अंदर आपको जो है बैक साइड में कुछ आपको फ़ैन मिल जाता है। सो इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है अपनी बाइक की हेडलाइट की पूरी असेंबली खोलनी पड़ती है। तो मेरे पास, जैसे कि आप लोगों को पता है, स्प्लेंडर है, तो स्प्लेंडर के अंदर इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। सबसे आप पहले आपको जो है ऊपर वाला वाइजर खोलना पड़ेगा, देन आपको नीचे वाला ग्लास खोलना है, और उसके बाद जो है आपको आगे के मैं इंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि वाइज़र जो खोल के हमने ग्लास को निकाल लिया, तो ये आपका सबसे पहला चैलेंज होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम अपने ग्लास को खोल रहे हैं तो आपको जो इसे हीट गन से जो है पहले इसकी जो है सारे रबर निकालने पड़ती है, उसके बाद आपका ग्लास जो है डायरेक्टली हुक से ओपन हो जाएगा। सो मैं ऑलरेडी एक बार रबर निकलवा चुका हूँ। सो अगर आप फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप किसी प्रोफेशनल मैकेनिक से करवाएं, क्योंकि इसमें टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अभी हमें जो है इस तरह की जो क्लिपिंग रहती है पीछे H4 की, उसको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्टर का जो पूरा फैन है वो पीछे की साइड से ही लगने वाला है। सो गाइस, सबसे पहले हम सिंपल वाले एलईडी प्रोजेक्टर का आपको रिव्यू देंगे। सो इसे बिल्कुल ही आसानी से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। पीछे से आप देख सकते हैं इस तरह से रोल करके जो ओपन हो जाता है, इसके बाद सिंपली आप इस होल से इसको निकाल के आराम से जो है इसको कवर कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह से आपका जो है नॉर्मल एलईडी प्रोजेक्टर जो है इस तरह से लग जाता है। सो सेकंड, हम आपको जो है एक चीज़ की ज़रूर बताएंगे कि आपको जब भी इस एलईडी प्रोजेक्टर को लगाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका जो है एंगल किस तरफ से सेट होता है, क्योंकि लेज़र मोड कई बार जो है राइट या लेफ्ट की साइड रह जाते हैं। सो लेज़र मोड हमेशा अपर साइड होना चाहिए, उसी से ही जो है रोड पर प्रॉपर पड़ती है। सो ग्लास लग चुका है, अभी फटाफट इसको बाइक में इंस्टॉल करके आपको रिव्यू देंगे किस तरह का आपका लाइट लगता है। सो गाइस, कनेक्शन आपको दिखा दूँ, इसमें ब्लैक रेड एंड वाइट वायर है, और आपके कपलर में जो आपको है ग्रीन की जगह जो है ब्लैक लगाना है, वाइट की जगह वाइट, और ब्लू की जगह आप जो है रेड वाली का कनेक्शन कर सकते हो। तो बहुत ही आसान है, डायरेक्ट आप कपलर में लगाना चाहो तो भी ठीक है, वरना आप सीधा वायरिंग में भी इसे लगा सकते हो। तो फिलहाल मैं जो है कनेक्शन कर चुका हूँ, आपको जो है डे टाइम में दिखा देता हूँ किस तरह का प्रोजेक्टर लगता है। तो गाइस, ये जो नॉर्मल एलईडी प्रोजेक्टर है ये 400 to 500 की रेंज में आता है, तो इसका जो DRL मोड है वो काफ़ी जेन्युइन लगता है। मतलब यहाँ आप देख सकते हैं पूरी अच्छी क्वालिटी इसके अंदर दिखती है, कोई भी देख के ये नहीं बता सकता ये जो है काफ़ी चीप या सस्ता प्रोजेक्टर है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में इसका लेज़र मोड भी काफ़ी अच्छा दिखता है। अभी आप अंधेरे में इसका DRL मोड चेक कर सकते हैं, DRL जो अंधेरे में बहुत ही बेहतरीन लगता है। सो अगर आप इसे फैन प्रोजेक्टर के हिसाब से अगर कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल अच्छा इसका लुक आता है DRL का, लेकिन जो इसका मेन लाइट है उसका भी मैं आपको रिस्पॉन्स दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप इसका लेज़र चेक कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया था, अपर साइड अगर आप रखोगे तो लेज़र कुछ इस तरह से पड़ेगा इसका।
सो गाइस इसके अंदर आपको जो ब्लू प्लस व्हाइट का कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो फैन प्रोजेक्टर में हमारा जो है ब्लू प्लस व्हाइट ही है। सो यहाँ पर आ जाती है इसकी जो है नेगेटिव पॉइंट, ये जो आप देख सकते हो बहुत ही छोटा गोला बनता है, तो ये काफ़ी जो है लाइटनिंग स्प्रेड नहीं होती, जितना आपको बाइक पे चलने के लिए चाहिए उतना आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। सो गाइस यहाँ आप रोड पे देख सकते हैं बहुत ही कम जगह ले रही है लाइट, तो बहुत ही कम है। इसके सहारे आप जो है आप हाईवे पे तो बिल्कुल भी गाड़ी को नहीं चला सकते, अगर आप गलियों में या आप ऑफ रोड करते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इसको रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। सो नेक्स्ट हम चलते हैं फटाफट जो है फैन वाले प्रोजेक्टर को इंस्टॉल करेंगे, साथ में आपको बताएंगे कि किस तरह का इसका रिस्पॉन्स है। तो काफ़ी आसान है इसको जो है अनइंस्टॉल करना, तो पुराने वाले को हमने हटा दिया है फटाफट। अब फैन वाले का आपको जो है टेक्निक बताते हैं। तो ये वाला जो प्रोजेक्टर है पीछे से खुल जाता है, सो यहाँ आपको इसका फ़ैन मिल जाएगा। सो सेकंड अगर इसको आप जॉइंट को खोलोगे तो आप देख सकते हैं बीचों बीच से ये जो है खुल जाएगा और आपका जो है हेडलाइट अलग हो जाएगा और लेंस वाला जो हिस्सा है वो अलग हो जाएगा। सो इसे अलग करने के बाद आप डायरेक्टली जो है हेडलाइट के अंदर जो है कपलर को पास करके इसकी फिटिंग कर सकते हैं। सो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी इजीली जो है इसको इंस्टॉल करना है। तो बहुत से भाई कंफ्यूज थे इस चीज़ को लेके कि इसको जो है इंस्टॉल कैसे करना पड़ेगा, तो आज के वीडियो में आपको मैंने क्लियर कर दिया है। सो डायरेक्टली आप जो है लाइट वाले पोर्शन को इसमें लगा के आप रोल रोल घुमा के इसे बंद कर सकते हैं। सो प्रोजेक्टर पूरा फिट हो चुका है, कहीं से भी हिल नहीं रहा है। अब डायरेक्ट हमने जो कपलर खोले थे उन कपलर को जो है हमने दोबारा से जॉइंट कर देना है, और अभी चलते हैं फटाफट आपको कनेक्शन के बारे में बताएंगे। सो गाइस कनेक्शन के अंदर आपको चार वायर मिलेंगे, तो इसके अंदर आपको हाई लो और फ्लैश का मोड मिलता है और एक आपको जो है लेज़र का मोड मिलता है। तो लेज़र और DRL का मोड इसमें अलग अलग मिलेगा, वो आप एक साथ कर सकते हैं, और आपको हाई लो फ्लैश में से किसी एक मोड को छोड़ना पड़ेगा। या तो आप लो बीम और फ्लैश मोड को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप हाई बीम और लो बीम को यूज़ कर सकते हैं। तो DRL मोड देख सकते हैं आप, इसके अंदर जो है व्हाइट प्लस ब्लू का कॉम्बिनेशन मिलता है। सो अभी आपकी इसकी मेन लाइट की बात कर लेते हैं, तो मेन लाइट को मैं ऑन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही तगड़ा स्प्रेड आपको इसके अंदर मिलता है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था नॉर्मल LED के मुकाबले इसकी लाइट 3 गुना रहने वाली है। सो गाइस इसका जो प्राइस रेंज है वो लगभग 1200 से 1300 रुपये आपको एक पीस का पड़ेगा इस टाइम पे। सो जैसा कि मैंने आपको दिखाया मेरी बाइक बीच वाले स्टैंड पे है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ तो बहुत दूर तक लाइट जा रही है, तो ये काफ़ी पैसा वसूल आइटम है। सो गाइस इसका ये जो है फ्लैश मोड रहेगा जो कि 27 वोट का आउटपुट देगा, और इसका जो हाई बीम है वो आपको पूरे 40 वोट का आउटपुट देगा। सो आई थिंक आपको जो है कंपैरिजन समझ आ गया होगा दोनों प्रोजेक्टर के बीच का। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप में से किसी को भी प्रोजेक्टर को बाय करना है तो डायरेक्ट आपको डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सअप करके आप इसे बाय कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया हम जो है कुरियर के थ्रू डिलीवरी करवाते हैं, या फिर अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको इसका अमेजोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। थर्ड, अगर आप चाहो तो अपनी लोकल मार्केट में इसे ट्राई कर सकते हो। प्राइस रेंज का मैंने आपको आइडिया दे दिया, 1200 से 1300 के अंदर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप जाके अपने ऑफलाइन मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।